भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संपर्क से समर्थन महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोकसभा वार विभिन्न आयोजन तय किए गए हैं। इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में भाजपा ने लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लबरा भी उन्होंने कहा। सबसे बड़े लफड़ा मुख्यमंत्री को 4.5 साल हो गए, शराबबंदी नहीं हो है, घर पहुंचा के शराब पीते के काम ₹2,500,000 आज 10 लाख युवक 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला थे, युवा मतलब भटके पर मजबूर होना पड़ेगा। लवारी बोल के सरकार में बैठ के मगर आज जनता ना छोड़ते है। शराब में 2,000 करोड़ की घोटाला, ये डॉक्टर रमन की बात है, ईडी के छापा, दिल्ली से अधिकारी आके छापा मारते, 2,000 करोड़ की घपला करे। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के अभियान में जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और जिसमें संपर्क से समर्थन और ये समर्थन मांगने, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करने, पब्लिक से सीधी बातचीत करने आ रहे हैं, 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में, क्या क्या 9 साल पहले कांग्रेस ने कितना गड्ढा खोद के रखा था और कैसे इस 9 साल की यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से विकास के काम हुए, जिस बात की चर्चा होती भाई, यदि आपके पास अपने बोलने की कोई विषय 4.5 साल में है तो जनता के बीच बोलिए। कोई आगे अपने सरकार की उपलब्धियों को यदि हम गिना रहे हैं 9 साल की या 15 साल के डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, उसका जवाब विकास ही होता है। आपने कुछ किया नहीं, ना सड़क बने, ना पुल बने, ना पुलिया बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, नरवा गरवा घुरवा भारी करोड़ों के घोटाले करके छोड़ के रख दिए हैं, कोई डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है। जनता अब सवाल कर रही है, जनता पूछ रही है तुम्हारे जन घोषणा पत्र का क्या हुआ भूपेश जी, बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, क्या हुआ शराबबंदी का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या हुआ विकास के उन कामों का जो आज अधूरे पड़े हैं, ये सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, ये इनकी उपलब्धि है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। इसलिए यदि राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो इनको लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, अब तो वो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसी अभियान के तहत आ रहे हैं, इसलिए उनको चिंता करना नहीं चाहिए। आप अपना लकीर बड़ा करें, हमारे लकीर के मिटाने से काम नहीं चलेगा और नेताओं को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता।